तो ये देख लो, इसके अंदर बलिनो के अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस मिलता है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने फोन से, तो ये देखो वायरलेस कनेक्ट हो जाता है ये, इसके में वायर की अच्छा जरूरत नहीं दोस्तों, है। मैं गौरव, आज हम देख रहे हैं मारुति सुजुकी बलिनो। बलिनो को अल्फा वेरिएंट देख रहे हो आप, अल्फा AGS ऑटोमेटिक है ये, ग्रैंडर ग्रे कलर है, 9,88,000 एक्शन प्राइस आ जाते हैं इसके हरियाणा फरीदाबाद के अंदर। बाकी स्टेट वाइज प्राइस वेरी करते हैं, कौन सी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो। नंबर डिस्प्ले पे मिल जाएगा, कोई भी नेक्सा से गाड़ी से, नेक्सा से जुड़ी हुई गाड़ी की कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी भाई इस गाड़ी को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैंने नाम बताया आपको, क्योंकि ये गाड़ी अपनी एक अलग पकड़ बनाए बैठी है मारुति के मेन सेलिंग पिलर में से एक गाड़ी है। ये मारुति के मेन सेलिंग पिलर में से एक कार है ये, जैसे मैंने बताया अल्फा है, AGS के अंदर है, ग्रैंडर ग्रे कलर है, 9,88,000 एक्शन प्राइस आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, तो फ्रंट पे आएंगे, यहाँ मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे आपको विद टू वॉशर, कोई रूफ रेस वगैरह नहीं मिलते इसमें, नॉर्मल एंटीना मिलता है, यहाँ इस तरह से बोनट भी आ जाएगा, रेडिएटर ग्रिल ब्लैक मिलेगी, सुजुकी का लोगो, नीचे गार्निश बीडिंग मिलेगी, और यहाँ फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, बट इसमें 360 डिग्री व्यू के लिए, जो कि फ्रंट पार्किंग वगैरह के लिए भी काफी हेल्पफुल रहता है। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, इसमें हमें ऑटो LED बेस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, हमें लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल एक प्रोजेक्टर दिया हुआ है, बट ये LED बेस मिलेगा और ऑटो फीचर के साथ आएगा। यहाँ इंडिकेटर है, इंडिकेटर और DRLs अलग दिए हुए हैं, DRLs आपको 3 पॉइंट्स में मिलेंगे और इंडिकेटर अलग है। फॉग लैम्प भी इसमें हमें LED बेस ही मिलेंगे, बट ये रिफ्लेक्टर बेस LED फॉग लैम्प मिलेंगी। फॉग लैम्प हाउसिंग पे भी यहाँ कुछ गार्निश ट्रीटमेंट दी हुई है, और गाड़ी भाई देख सकते हो आप फ्रंट से लग कैसी रही है। ये गाड़ी अपनी मार्केट में एक अलग पकड़ बनाए हुए है, जैसे मैंने आपको बताया। बाकी साइड में देखोगे तो अलॉयज मिल जाते हैं इसमें, फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद इंडिकेटर, यहाँ कैमरा मिल जाएगा ORVM के नीचे 360 डिग्री व्यू के लिए, डुअल टोन में अलॉयज मिलेंगे, फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स हैं, 195/55/16 का टायर साइज आ जाता है, अलॉय बीच में सुजुकी की बैजिंग मिलेगी आपको, गार्निश डोर हैंडल्स मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिए हुए हैं, ABC तीनों पिलर ब्लैक मिलेंगे, ड्राइवर को ड्राइवर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा, टिंटेड ग्लास है, रनिंग बोर्ड आपको सेम बॉडी कलर मिलेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, क्वार्टर पैनल पर भी ग्लास है, बट ये बीडिंग आपको यहाँ तक बॉटम तक मिलेगी, क्वार्टर पैनल ड्राइवर से स्टार्ट होकर यहाँ तक। नॉर्मल एंटीना है, रियर डिफॉगर है, वाइपर दिया हुआ है, हमारे स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है, यहाँ ग्रिल मिलेगी, ये आपका रिवर्स कैमरा जो 360 डिग्री व्यू के लिए भी काम करेगा, सुजुकी का लोगो, कुछ इस तरह से टेल लैंप्स मिलेंगे LED बेस, ये ऊपर स्टॉप लैंप है या इंडिकेटर, ये रिवर्स लाइट, बलिनो की बैजिंग, सुजुकी का लोगो, 2-4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए हुए हैं, पीछे 2 रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं, कैमरा जो यहाँ दिया हुआ है। इस साइड आएंगे तो 37 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा, को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है। तो हो चुका पूरा गाड़ी का एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, तो कुछ की दिखा दूं, इस तरह की मिल जाती है लॉक अनलॉक, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, अब तो यही की मिल रही है मारुति की हमें देखने के लिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर को ड्राइवर, मैंने दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर बताया था, दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, यहाँ ब्लैक और ब्लू कलर के अंदर इंटीरियर ट्रीटमेंट मिलेगा डुअल टोन के अंदर, यहाँ डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, ट्विटर, टोटल 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर हमें, यहाँ ORVM कंट्रोल यूनिट है, ये आपका ड्राइवर सिंगल टच सिंगल अप डाउन मिलेगा, ये चाइल्ड लॉक के बटन है, जो ड्राइवर टी में आर्मरेस्ट है सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, बाकी चारों पावर विंडो है, स्पीकर टोटल 6 मिल जाते हैं, वाटर बॉटल स्पेस, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेमी फैब्रिक सीट्स हैं, कॉर्निंग एयरबैग्स के साथ, यहाँ भी डुअल टोन ब्लैक और ब्लू का ट्रीटमेंट मिलेगा आपको सीट्स में भी, और ये सेमी फैब्रिक्स हैं और 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें, कॉर्निंग एयरबैग्स भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे लाइट मिल जाएगी नीचे लेग रूम में, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैंडल बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लाइट खोलने के लिए ऊपर स्पेस, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं हेडलाइट हाइट एडजस्ट करने के लिए, ये 360 डिग्री व्यू के लिए, ये आइडल ऑन ऑफ, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये हेड अप डिस्प्ले ऑन ऑफ करने के लिए जो यहाँ मिलती है हमें, ये डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए मीटर की, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऊपर AC वेंट, सराउंडिंग ब्लैक और यहाँ ग्रे ट्रीटमेंट है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अच्छा आगे बढ़ने से पहले बताऊं, जैसे मैंने आपको यहाँ ये दिखाया था, बटन दिखाया था 360 के लिए, जैसे हम इसे प्रेस करेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ आपका म्यूजिक सिस्टम में 360 डिग्री व्यू ऑन हो जाएगा, सराउंडिंग गाड़ी के दिखाएगा पहले बाहर से आपको, और आप इंटरनली भी गाड़ी को देख सकते हैं, यहाँ से 360 डिग्री व्यू कुछ इस तरीके से काम करेगा, अंदर से भी देख सकते हो और आप बाहर से भी गाड़ी
के सराउंडिंग देख सकते हैं। भाई फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुके हैं हम। बलिनो टॉप ऑफ द लाइन अल्फा ऑटोमेटिक का स्टीयरिंग देख लो, पहले इंटीरियर देख लो, कितना अट्रैक्टिव इंटीरियर मिलता है इस गाड़ी का। और इसी यही कारण है कि ये गाड़ी आज भी अपनी मार्केट को पकड़ के बैठी हुई है। फ्रॉन्क्स आने के बाद भी मारुति ने बंद नहीं करी, क्योंकि पता था ये भाई मेन सेलिंग पिलर में से एक कार है ये। बाकी स्टीयरिंग देखो, लेदर रैप करा हुआ है स्टीयरिंग पे, यहाँ थोड़ा ग्ले ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ड्यूअल टोन में स्टीयरिंग दिया हुआ है, थ्री स्पोक में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। हम पहले स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। स्टीयरिंग आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शंस के साथ मिलेगा। तो भाई ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, ड्यूअल टोन में है, यहाँ रैप दिया हुआ, ग्रिप वगैरह दी हुई है। यहाँ पे आपको ये कुछ ग्रे कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा ड्यूअल टोन में, ऊपर लेदर ग्रिप है, मतलब लेदर रैप किया हुआ है ग्रिप पे भी। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है थ्री स्पोक में, सुजुकी का लोगो। टोटल 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें हमें। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहाँ आपका फोन उठाने काटने के लिए वॉइस कमांड के लिए। ये क्रूज कंट्रोल यूनिट राइट स्पोक पे दी हुई है। सुजुकी का लोगो, साउंडिंग सिल्वर, 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं वो मैं बता चुका आपको। ऑटो हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, फॉग लैम्प बीच में हमें एलईडी वे सी मिलते हैं। यहाँ पे आपका मैनुअल वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देख लो, मीटर वही फ्रॉन्क्स में, इसमें वैसा सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस है नहीं मीटर के अंदर। कोई फीचर चेंज हो सकते हैं, बाकी कुछ ऐसा चेंजेस के अंदर है नहीं। तो ये देखो, यहाँ आरपीएम है, यहाँ स्पीड मीटर है। आरपीएम में इंजन गेज दिया हुआ है, टेम्परेचर गेज, यहाँ पे फ्यूल गेज दिया हुआ है स्पीड मीटर के अंदर। बीच में एमआईडी दी हुई है, वेदर टेम्परेचर आ रहा। और देखो, ओके, 360 डिग्री कैमरा ऑन हो गया इसका, जैसे हमने इसे एसेसरीज मोड ऑन करा इसका, ठीक है। और ये देखिए, काफी अच्छे तरीके से कवर करता है। ये लो फ्यूल की वार्निंग आ रही है, यहाँ एमआईडी मिल जाती है, ऊपर टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर्स देख सकते हो आप। यहाँ पे न्यूट्रल है, क्योंकि ये ऑटो पे है तो न्यूट्रल पे खड़ी हुई है, तो वो न्यूट्रल लिखा हुआ। ये आपका किलोमीटर्स वगैरह आप देख सकते हो, ड्राइविंग टाइम देख सकते हो। यहाँ पे टोटल आइडल फ्यूल सेव और टोटल आइडल स्टॉप टाइम देख सकते हो। ये वॉच हो गई आपका, ये मोशन फ्रंट टायर्स के, टॉर्क पावर वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हो, एक्सेल ब्रेक वगैरह यहाँ शो हो जाएगा। तो कुछ यही फीचर्स में मिल जाते हैं, ऊपर टाइम वगैरह आपका आ रहा है। ये आपका हेड अप डिस्प्ले हो गया, जो मैंने आपको यहाँ बटन दिखाया था एचयूडी का, यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले है, शोरूम के अंदर है। मैंने और वीडियो बनाई उसमें आप देख सकते हो, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकते यार अंदर, इस पे पॉल्यूशन वाला इशू आता, तो यहाँ हेड अप डिस्प्ले मिल जाती है। ये बटन प्रेस करने के बाद ये खुल जाएगा, ये प्रेस करके रखना पड़ेगा और हेड अप डिस्प्ले आपकी ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड भी आ जाता है। 9 इंच का सुजुकी स्मार्ट प्ले प्रो म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है इसमें हमें, टच स्क्रीन 9 इंच की, 6 स्पीकर्स के साथ, जिसमें फ्यूल इकोनॉमिक, रेंज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 एसी वेंट है, और एसी वेंट के अंदर भी सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सराउंडिंग ग्लोसी ग्रे है, यहाँ कुछ कुछ इन्होंने ब्लू ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ब्लैक भी है, ग्लोसी ग्रे, ब्लू और ब्लैक, 3 कलर दिए हुए हैं टोटल। 1000 लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे यूएसबी, ये 12 वोल्ट का आउटलेट मिलेगा, यहाँ पे थोड़ी जगह है गियर कंसोल में, 2 कप होल्डर्स, ऑटोमेटिक में कुछ इस तरह के गियर लीवर मिलेगा आपको। इधर शिफ्ट करके आप इसे मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हो, प्लस माइनस में करके। यहाँ पे आपका मैनुअल हैंड ब्रेक्स हो गए, आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज, और आर्मरेस्ट स्लाइडेबल है। यहाँ ग्लोब बॉक्स हो गया, ग्लोब बॉक्स में लाइट दी हुई है, ऊपर ऑटो डिमिंग IRVMs है, ये है आपका, यहाँ पे रीडिंग लाइट दी हुई है येल्लो, यहाँ माइक्स दिए हुए हैं, वेंटीमीटर मिल जाता है सनवाइजर में विद लाइट, और यहाँ भी आपको वेंटीमीटर मिल जाता है सनवाइजर में विद लाइट। तो भाई ये तो हो चुका पूरा ड्राइवर फ्रंट। ऐसा सीरीज मोड कर देते हैं ऑफ और चलते हैं पैसेंजर सीट्स पे। मैं एक बार ऐसा सीरीज मोड ऑफ कर दूं इसका। आ चुके हैं हम पैसेंजर डोर पे, तो पैसेंजर डोर जैसे ही हम ओपन करेंगे, इंटीरियर तो मैं आपको दिखा चुका हूं, इसका डुअल टोन के अंदर है ब्लैक और ब्लू। यहाँ डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर टीम हमारा स्पीकर। इंटीरियर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए 2024 में भी आके। यहाँ पे आपका तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। 60-40 का कॉम्बिनेशन है, ये वाली सीट आप फोल्ड कर सकते हो, बूट स्पेस अगर एक साइड से एक्सटेंड करना है। यहाँ पे एसी वेंट है, चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं टाइप सी 2, और एक लाइट मिल जाएगी ऊपर। कुछ इस तरह का पैसेंजर सीट पर स्पेस मिलेगा हमें। यहाँ इलेक्ट्रिक बटन दिया हुआ है बूट में, पार्सल ट्रे दी हुई है, कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। ये लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ से ये लाइट मिल जाती है, ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। बाकी नीचे स्पेयर व्हील और टूल्स मिल जाएंगे। बलिनो का बूट स्पेस तो हमें शुरू से ही अच्छा मिलता है भाई। जैसे हम बोनट ओपन करेंगे, ऊपर इंसुलेशन पैडिंग दी हुई है,
यहाँ हमें कुछ इस तरह का 1.2 लीटर का बीवीटी पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 88 बीएचपी के टॉर्क जनरेट करता है 130 न्यूटन मीटर का, 113 न्यूटन मीटर का, 20.9 किलोमीटर पर लीटर की एआरआई के अकॉर्डिंग कंपनी माइलेज क्लेम कर रहे हैं ये। 847 फुल टैंक पे आपका चल सकती है। एएमटी में 5 गियर के साथ मिलती है, मैंने शायद 6 बोल दिया था अंदर आपसे, और इसमें फ्यूल टैंक 37 लीटर का है और बूट स्पेस 318 लीटर का। ये था बलिनो अल्फा एजीएस का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।